दोस्तों मैं राज पांडे आप देख रहे हैं आर सी एन टूडी आप सभी का आर सी एन यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे अथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है उसी क्रम में आज की सबसे बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे सबसे पहले मैं बात करूंगा अगर आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप अपने बजट के अनुसार तैयारी करना चाहते हैं कम पैसे में सबसे बेहतर तैयारी चाहते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म आइए जान लेते हैं जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं टेक्स्ट बुक के द्वारा एक सेल लगाया गया है जिसका नाम है फ्यूचर ऑफिसर सेल इस सेल के माध्यम से कम पैसे में आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं आपको बता दें यह वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया है जिससे आपको अच्छी जानकारी मिले और आपकी तैयारी बेहतर हो सके क्योंकि गरीब तबके के बच्चे अच्छी तैयारी नहीं कर पाते हैं पैसे के अभाव में तो एक साल आप आसानी से तैयारी कर पाएंगे आठ सौ से ज़्यादा भर्ती परीक्षा की और आठ अस्सी हज़ार से ज़्यादा मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा अगर आप आरसियन कूपन कोड का यूज़ कर देंगे तो आपको बारह प्रतिशत का डिस्काउंट मिल जाएगा दोस्तों एस एस सी बैंकिंग रेलवे या किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर हैं किसी भी भाषा में तैयारी करना चाहते हैं क्योंकि बारह भाषा उपलब्ध है आप किसी भी राज्य के हैं और सरकारी नौकरी चाहते सपने को पूरा करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक आपके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उस लिंक पर क्लिक करके आप इसे परचेज़ कर सकते हैं दोस्तों या एजुकेशन परपज़ के लिए बनाया गया है जिससे आपकी बेहतर तैयारी हो सके यूट्यूब को भी मैं बताना चाहता हूँ कि एजुकेशन परपज़ के लिए बनाया गया है जिससे बच्चों की बेहतर तैयारी हो सके केवल आपके बेनिफिशियल के लिए है आपके बेनिफिट के लिए है इसलिए आप मेहनत से तैयारी करिए और इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर करिए चलिए आइए अगली खबर के बारे में जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दो साल में दो लाख नौकरी देंगे लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर मैं आपको देना चाहता हूँ सिपाही भर्ती को लेकर पेपर लीक के अफवाह सफाई नेता समेत कई पर एफ दर्ज किया गया है टेलीग्राम से प्रसारित प्रसारित किया गया संदेश क्यू कोड भेज मांगी रकम एवज में पेपर देने की बात कही मैं आपको बता दूं पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से हुसैनगंज थाने में दर्ज कराया गया मुकदमा तो सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं यूपीपी पेपर लीक 2024 हजार चौबीस यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्रूफ आप स्टूडेंट के अलावा आदित्य तोमर के टेलीग्राम अकाउंट के जरिए फर्जी प्रश्नों को वायरल कर क्यू कोड भेजकर रुपए की मांग की जा रही है कई अन्य टेलीग्राम अकाउंट से भी यह फर्जीवाड़ा किया जा रहा है पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए केस दर्ज कर टीमों को मामले की तफ, तफ्तीस करने के लिए कहा है तो अब तक की सबसे बड़ी खबर ठगों से आपको बचना है अभी तक पेपर लीक की कोई ऐसी घटना सामने निकल कर नहीं आई है जो सत्य हो एक बड़ी अपडेट मैं आपको और दे दूँ दो लाख नौकरी को लेकर जैसा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हम लगातार नौकरी दे रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी सरकार अगले दो साल में दो लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देगी उन्होंने कहा है कि पहले नौकरियां निकलती थी तो पश्चिमी यूपी के युवाओं को उससे वंचित रखा जाता था मगर आज यहाँ के युवा और बेटी नौकरी प्राप्त कर रहे हैं सीएम ने कहा है कि शुक्रवार से प्रदेश में पुलिसकर्मी की साठ हजार से अधिक नौकरियों के लिए भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो रही है यहाँ के युवाओं को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो करते रहिए 2025 में आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी यह आपके लिए खुशी की खबर है उनहत्तर हज़ार शिक्षक भर्ती के संबंध में बड़ी अपडेट है उनहत्तर शिक्षक भर्ती को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के हालिया आदेश के बाद पक्ष और विपक्ष का विरोध प्रदर्शन व्यापक रूप से व्यापक रूप ले रहा है आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी पहले ही वैसी शिक्षा निशाले पर धरना दे रहे हैं बृहस्पतिवार को चयनित अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी भी वहां पहुंच गए दोनों पक्ष आमने सामने धरने पर बैठकर कर नारेबाजी करने लगे किसी विपरीत परिस्थिति से बचने के लिए पुलिस के बीच में दीवार बनकर खड़ी रही यानी कि जो स्थिति परिस्थिति देखने को मिल रही है उसे देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है अगर इसे सही तरीके से निष्कर्ष नहीं निकाला गया तो विवादित भी हो सकता है तो सरकार इसके बारे में सोचे और जल्द से जल्द जल इसका अंतिम फैसला ले और फाइनल सूची जारी करें इनको भी बचाना है उनको भी बचाना है उनको चयनित करना और चयनित को बाहर भी नहीं करना है ऐसा अगर कोई निष्कर्ष निकल जाए तो सब कुछ ठीक हो सकता है परंतु तो देखना होगा कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है दोस्तों कड़े पहरे में सिपाही भर्ती परीक्षा आज से होगी प्रदेश के सड़सठ जिलों में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा नौ लाख साठ हज़ार अभ्यर्थी होंगे शामिल ग्यारह सौ से ज़्यादा केंद्रों पर होगी भर्ती परीक्षा दोस्तों पुलिस भर्ती में गड़बड़ी पर संपत्ति कुर्क होगी ऐसा उत्तर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है और बायोमेट्रिक हाज़िरी ली जाएगी ए से जाँच की जाएगी एक बड़ी अपडेट और देना चाहता हूँ डॉक्टर के अपील के बाद काम पर लौटें आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंसाफ और इलाज नहीं रोक सकते हैं मरीजों की दिक्कतों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील की कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा है कि इंसाफ और इलाज को रोक नहीं सकते इस अपील के बाद डॉक्टर से दरिंद, दरिंदगी के विरोध में ग्यारह दिनों से हड़ताल कर रहे डॉक्टर काम पर लौट आए हैं तो बड़ी अपडेट है बड़ी खबर है एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ एलटी टी शिक्षक भर्ती को लेकर एलटी टी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी परेशान ना हो इसी वर्ष वैकेंसी आएगी किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है तो जितने भी एल टी शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है इस वर्ष वैकेंसी आएगी जो आहारता विवाद था उसका समाधान कर दिया गया है सब कुछ मामला रफा दफा हो गया है ठीक हो गया है आप लोग तैयारी करते रहिए अधिकतम दो महीने और लग सकते हैं विज्ञापन आने में क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अभी अधियाचन नहीं भेजा गया है जैसे ही अधियाचन भेजा जाएगा उसके कुछ दिनों के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एल्टीग्रे शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर देगा एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ अगर आप लीवर पेशेंट हैं आपको लीवर सिरोसिस हो गया अभी साक्ष दिखाऊंगा ठीक होते हुए मैं फर्जी बात नहीं करता हूँ मेरे पिताजी को राम मनोहर लोहिया से कह दिया गया था अब ये छः महीने के मेहमान हैं इनका लीवर पंचानवे परसेंट डैमेज हो गया है पंच पंचानवे परसेंट नाइन्टी फाइव परसेंट डैमेज हो गया है इनको लीवर सीरोसिस हो गया है और लीवर सीरोसिस बहुत ही गंभीर बीमारी है मैं पिताजी की पहले की फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ दो हज़ार की और उसके बाद ट्रीटमेंट जब मैं स्टार्ट किया जब कोई रास्ता मुझे नहीं दिखा तो मैं खुद ट्रीटमेंट करना शुरू किया पिताजी का दवा मंगवाया खुद जड़ी बूटियाँ या खुद और आज मेरे पिताजी एकदम फिट हो गए हैं जब मुझे दवा मिलना शुरू हो गया आ, मुझे स्टैक्ट मिल गया जैसे पुनर्नमा का स्टेक्ट हुआ इक्नीसिया का स्टैक्ट हुआ तो अच्छी अच्छी कंपनी का फर्जी कंपनी का मैं दवा नहीं लेता हूँ हकीकत बता रहा हूँ अच्छी कंपनी का तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ पहले का साथ, का साथ और रिपोर्ट भी दिखाऊँगा तो लीवर सिरोसिस हुआ लीवर फैटी हुआ एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है मुझे नहीं लगता लीवर सिरोसिस का इलाज है केवल ट्रांसप्लांट बोले थे और 50 लाख रुपया हमसे मांगा गया था ट्रांसप्लांट के लिए 15 लाख रुपया लगभग पैंसठ सत्तर लाख रुपये लगते लेकिन मैं उस पर ध्यान नहीं दिया और देखिए पिताजी मेरे इस समय कैसे हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दो की तस्वीर है और 2019 से मैंने दवा स्टार्ट किया था आज 2024 चला चार साल दवा करते मुझे हो गया उस समय पिताजी के पेट में पानी भरा हुआ था और आप इनकी कंडीशन देख सकते हैं कि वो हड्डी दिखाई दे रहा होगा और पेट में पानी उसके अलावा शरीर पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है 2018 मैंने पिताजी को ठीक कर दिया मैंने खुद लिखा और पेट में देखे कितना पानी भरा हुआ था इसी के कारण इनको हारनिया भी हो गया हारनिया का तो ऑपरेशन हो जाएगा ठीक होने के बाद मैंने सोचा लेकिन पिताजी को ठीक करना जरूरी था और जो लीवर था उसे रिजनरेट करना ज़रूरी था देखिए डिग्री से आप डॉक्टर तो बन जाएंगे लेकिन ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है मैं सात सालों से आयुर्वेद पर अध्ययन किया काफ़ी अध्ययन किया पिताजी पर भी रिसर्च किया क्योंकि बचने वाले नहीं थे बता दिया गया था कि छः महीने के मेहमान हैंवर और दुलवाइए है, घर का कोई सदस्य लीवर दे इस कंडीशन को आप देख रहे हैं उसके बाद की कंडीशन दिखाऊंगा आप चौंक जाएंगे वीडियो को ध्यान से देखिएगा यहाँ पर देखिए दवा शुरू करने के डेढ़ साल बाद की तस्वीर है दवा शुरू होने के ढाई साल बाद की तस्वीर है ध्यान से देखिएगा और सन 2024 की तस्वीर है ध्यान से देखिए दवा शुरू होने डेढ़ साल बाद की तस्वीर है मैं आपको गोला करके दिखा रहा हूँ कौन सी कैसी तस्वीर है डेढ़ साल बाद की तस्वीर है दवा शुरू करने के ढाई साल बाद की तस्वीर है दवा शुरू करने के और सन 2024 की तस्वीर है फरवरी माह की देख लीजिए पिताजी मेरे एकदम स्वस्थ हो गए हैं अभी मैं आपको रिप, रिपोर्ट दिखाता हूं जो पेट में पानी था वह कंडीशन आज तक मैं एल्बूमिन नहीं चढ़ा हुआ शुरुआती दौर में पच्चीस लाख रुपए मेरे ले लिए गए दवा के नाम पर और कोई ट्रीटमेंट नहीं था लीवर सिरोसिस का आप गूगल भी पढ़ सकते हैं आप मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ हकीकत से रूबरू करा रहा हूँ कि लीवर सिरोसिस जैसी बीमारी को भी ठीक किया जा सकता है नब्बे परसेंट रिकवरी संभव सौ में सौ भी हो जाता है अब यहाँ पर देखिए बत्तीस के पी है दो में मेरे द्वारा रिपोर्ट करवाया गया था पिताजी का यहाँ पर लिखा हुआ है रामनैन पांडे देखिए और 32 के पी उस समय आया था उसके बाद की रिपोर्ट दिखाता हूँ कब कराया गया था तारीख के साथ मैं आपको बता रहा हूँ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ तेईस के पी ए की रिपोर्ट है और तारीख इसमें कहाँ दिया गया है रुक जाइए दो मिनट दस जनवरी 2021 देखिए दस जनवरी 2021 को मेरे द्वारा या करवाया गया था उसके बाद अल्ट्रासाउंड करवाया गया 7 अगस्त 2024 को देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है और आप देख सकते हैं मैं आपको दिखा दूँ सात अगस्त दो चौबीस को और वह दिखा दूँगा। आपको ध्यान से देखिएगा रामनैन पांडे बासठ साल उम्र है देखिए लीबर नॉर्मल आ गया है इम्प्रेशन में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ देखिए कुछ भी नहीं है केवल सिस्टाइटिस है वो सही हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं जो कि मूत्र में संक्रमण का या सूजन का इंडिकेशन है कुछ भी नहीं है नॉर्मल एकदम नॉर्मल और उसके बाद फाइब्रोस्कैन करवाया गया मैं आपको दिखाना चाहता हूं यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तारीख को इसे कराया गया था सात अगस्त दो हज़ार चौबीस को जब अल्ट्रासाउंड कराया गया यहाँ पर देखिए तारीख लिखा हुआ है सात अगस्त दो हज़ार चौबीस को पुनः जो है मेरे द्वारा फाइब्रोस्किन करवाया गया और कितना आ गया तेरह के पी ए सोचिए इतना बेहतर रिजल्ट है और नाम मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है रामन पांडे तो दोस्तों लीवर सही हो सकता है किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है आई सही हो सकता है लीवर सही हो सकता है फैटी लीवर भी सही हो सकता है हाँ दवा लंबे समय तक चलता और पैसा लगता है लीबर सिरोसिस हो गया था हमने कहा कि पचहत्तर लाख रुपये लगेंगे समथिंग पचास लाख पंद्रह लाख तो पचहत्तर पड़ जाते हो किसी भी हाल में दवा ववा सबका चलता तो पचहत्तर पड़ जाए तो मैंने सोचा अगर दो लाख पचास हज़ार सालीना लगता है यानि कि बीस हज़ार रुपये मंथली अगर दवा का दाम पड़ता है तो भी पिताजी मेरे दस पंद्रह साल बीस साल आसानी से जी जाएंगे और स्वस्थ रहेंगे दोस्तों पहले दवा का दाम लगभग बीस से पच्चीस हजार रुपये पड़ता था मंथली उसके बाद डेढ़ साल बाद लगभग अट्ठारह हज़ार रुपये हो गया ढाई साल बाद सोलह हज़ार के करीब हो गया और वर्तमान में चौथा साल चल रहा है एकदम लीवर नॉर्मल हो गया तब भी उनको दवा खिलाओ कह रहे खाइए फिट रहिए मस्त रहिए इस समय उनकी दवा आठ हज़ार रुपये के करीब पड़ता है चार साल में दोस्तों आप जोड़ लीजिए अगर मैं तीन लाख रुपए मंथली सालीना खर्च करता हूँ तो 10 साल का 30 लाख हुआ 20 साल का 60 लाख हुआ और लीवर ट्रांसप्लांट करने में देखिए लीवर ट्रांसप्लांट जिसे करवाना कराइए मैं अपनी स्थिति बता रहा हूँ मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ जो कंडीशन था देखिए जो कंडीशन मेरे पिताजी का था मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ लीवर ट्रांसप्लांट कराता तो उसकी कोई गारंटी नहीं थी तो मैंने आयुर्वेद पर विश्वास किया और देखिए नतीजा आपके सामने है आप देखिए डेढ़ साल बाद की तस्वीर ढाई साल बाद की तस्वीर पिताजी के और यहाँ पर देखिए चार साल बाद की तस्वीर आपको अंतर दिखाई दे रहा है और अगर आपको सही रूप में कुछ भी करना है तो एक टेलीग्राम चैनल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसे आप जुड़ सकते हैं